चैप्टर, और ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री पोर्शन से रिलेटेड है। जब सिलेबस मैंने आपको लिखवाया था तो सबसे पहले मैंने बायोलॉजी के आपको चैप्टर्स करवाए थे, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेल का चैप्टर एक्सप्लेन हो चुका है। आज जो स्टार्ट होने जा रहा है वो है चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का। तो नाउ एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 37। ये केमिस्ट्री पोर्शन का आपका चैप्टर है। इस चैप्टर में आप जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन से वो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले मैं आपको जो मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, जिसमें बताया जाएगा कि जो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं वो किस तरीके से देखने में किस तरह नजर आते हैं, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो चेंज होती रहती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज और मेटल और नॉन मेटल दोनों के बारे में बताया जाएगा। जिसमें मुख्तलिफ रिएक्शंस आपको बताए जाएंगे कि मेटल नॉन मेटल का, जैसे ऑक्सीजन वगैरह या वाटर वगैरह के साथ जो, या एसिड वगैरह के साथ किस तरीके से जो रिएक्ट कर रहे होते हैं, उनकी केमिकल जो है इक्वेशन के जरिए जो एक्सप्लेन होगा ये। इसके बाद जो है हम यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम नोबल मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक करेक्टर जो है कोरिजन ऑफ मेटल्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, और लास्ट में हमारा टॉपिक होगा एलॉयस। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं जिनके बारे में जो है हम डिटेल में जो है पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम जब के मेटल्स एंड नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग पे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको जिक्र करूंगी एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि एलिमेंट्स होते क्या है। एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, आप लोग जानते हैं, यानी कि एक प्योर सब्सटेंस जिससे जो कि एक ही एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एलिमेंट जो होते हैं वो क्या है, बेसिक यूनिट है जिस या बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंस बन रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंस,
ये जो एलिमेंट है ये क्या है, पीरियोडिक टेबल होता है एक, जिसमें के मुख्तलिफ एलिमेंट जो अब तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये पीरियोडिक टेबल है जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट जो हैं वो यहाँ पे सिंबल्स के जरिए जो है प्रेजेंट किए गए हैं। मुख्तलिफ सिंबल्स जैसे हाइड्रोजन के लिए H लिखा गया है, कार्बन के लिए C, इसी तरीके से मुख्तलिफ सिंबल्स को जो के लिहाज से जो है एलिमेंट को प्रेजेंट किया गया है। अब ये क्या है, बेसिक यूनिट है, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि बिल्डिंग, आपको बताया जाता है देखिए बिल्डिंग जब बनती है तो उसके लिए ब्लॉक की ज़रूरत होती है, ब्रिक की ज़रूरत होती है, फिर पूरी बिल्डिंग बनती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के, उनसे मिलकर मुख्तलिफ वर्ड फिर सेंटेंस बन रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बिल्कुल ये एलिमेंट क्या है, बेसिक जो यूनिट है और जिससे कि मुख्तलिफ सब्सटेंस बनते हैं। तो जो ये एलिमेंट्स होते हैं इनको हम 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक कहलाते हैं मेटल्स, एक को कहा जाता है नॉन मेटल, और एक ग्रुप कहलाता है मेटलॉइड्स। ठीक है, जो हमारा चैप्टर है वो किस पे डिपेंड करता है, मेटल और नॉन मेटल्स पे। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद होती है वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, ठीक है, अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र करें कि मेटल और नॉन मेटल यानी कि फिजिकल क्या, यानी कि आप देखने में किस तरीके से नजर आ रहे होते हैं इसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर अ सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है। कैसे होते हैं मेटल्स, कैसे होते हैं सारे के सारे, तथा सॉलिड होते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो कौन कौन से हैं, जैसे कि मेटल्स कौन से होते हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनियम वगैरह बहुत से ऐसे हैं जो के मेटल्स कहलाते हैं, जो आपके कॉमनली जो आप देखते हैं वो कौन से, जैसे सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, कि मेटल है और कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। अगर हम इस मेटल की इसमें प्रॉपर्टीज का जिक्र करें तो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं ये, लेकिन इसमें से सिर्फ एक ऐसा है जिसको कहा जाए मरकरी, ठीक है। मरकरी जो होता है वो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। इसको मरकरी को आपने थर्मामीटर में देखा होगा, मरकरी जो है थर्मामीटर के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, ये भी मेटल है। तो सारे के सारे तत्व कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट द मरकरी, ठीक है। अब आते हैं नॉन मेटल्स पे, ठीक है। नॉन मेटल्स में कौन कौन सी शामिल होती है, ज्यादातर ये गैसेस शामिल होती हैं इसमें। नॉन मेटल का अगर हम जिक्र करें तो इसमें जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, इसी तरह सल्फर, फॉस्फोरस, एक्सेट्रा,
ठीक है, ये इसमें शामिल होती है नॉन मेटल्स में, और जो नॉन मेटल होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं और गैसेस फॉर्म में होते हैं। यानी कि कैसे होते हैं, तो सॉलिड होंगे एंड गैसेस, ठीक है, सॉलिड और गैसेस फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट द ब्रोमाइड, ठीक है, यानी कि ब्रोमाइड जिस तरह एक्सेप्ट मर्करी था, यहां पे भी एक्सेप्ट ब्रोमाइड। और ब्रोमाइड कैसा होता है, ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। ये तो अभी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो है मैं जिक्र कर रही हूँ, फिजिकल स्टेट अगर हम इसके लिहाज से बोला जाए। और इसके बाद अगर हम इसकी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, तो इसका जो जिक्र करेंगे तो फिर ये होता है लस्टर के बारे में। लस्टर जिसको कहा जाता है, लस्टर कहा जाता है शाइनिंग अपीयरेंस को, ठीक है, यानी कि मेटल जो होती है रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम देयर सरफेस, ठीक है, यानी कि जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है तो शाइनिंग अपीयरेंस होती है, जैसे गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की, प्लैटिनियम की। तो ये जो होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैव अ शाइनिंग अपीयरेंस, ठीक है, यानी कि मेटल्स कैसे होंगे, दे हैव लस्टर। ठीक है, लस्टर यानी कि आपको इनकी शाइनिंग एक अलग से ही नजर आ रही होगी। और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो वो क्या होता है, दे डू नॉट हैव लस्टर। शाइनिंग अपीयरेंस नजर नहीं आती, तो ज्यादातर ये गैसेस वगैरह शामिल होती हैं इसमें नॉन मेटल्स में, तो उनमें जो है वो लस्टर मौजूद नहीं होता है। यानी कि नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट में जो है वो इसमें थोड़ी बहुत लस्टर मौजूद होता है। ग्रेफाइट कहाँ होता है, ये पेंसिल्स में मौजूद होता है, जिससे आप लिखते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। और वैसे इसके अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो दे डू नॉट हैव लस्टर, और मेटल जो होती है उसकी एक शाइनिंग जो है अपीयरेंस वो नजर आ रही होती है, उसमें लाइट रिफ्लेक्ट करती है उनके सरफेस से। तो आज जो है हमने ये दो कैरेक्टर्स जो है मेटल्स के पढ़े हैं, एक इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में और एक जो है वो लस्टर के बारे में पढ़ा है इस चैप्टर में। इसकी काफ़ी और भी जो है प्रॉपर्टीज मौजूद है जो कि नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन होगी। अभी मैं आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखा रही हूँ, इसमें भी आप देखिएगा थोड़ी सी जो है करेक्टरिस्टिक्स फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी आपको दिखेंगी, ठीक है, और जो है आप वो देखिए, वीडियो क्लिप देखिएगा। आज तक के लिए जो है आपका इतना ही, इसके बाद जो है रिमेनिंग आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन होगा। और आज आपका कोई रिटर्न में होमवर्क नहीं है, ठीक है, जो अभी मैंने कुछ लिखा है ये सारा कुछ एक्सप्लेनेशन है, इसको कॉपी नहीं कीजिएगा, इसका सिर्फ आप जो है टाइटल पेज बना लीजिए केमिस्ट्री का पोर्शन का और मेटल एंड नॉन मेटल का। आज तक के लिए इतना ही है, और अब वीडियो क्लिप देखिए। Is the element? It is the simplest pure form of a matter that cannot be decomposed into simpler substances.
What are the properties of metals and nonmetals? Metals are shiny, while nonmetals are not shiny.